बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं लॉर्ड ऑफ फूड्स के लॉर्ड्स किचन में और यहाँ पर हम आपको आज बताएंगे रेसिपी बनाना। मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चीज़ की प्रोफेशनल नूरी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और यही आपको बताएंगी। यहाँ पर जो है ना वो ये रेसिपी बनाना दिखाएंगे। अच्छी सी, मज़ेदार सी और बहुत इजी सी रेसिपी बनाएंगे हम। और आपको पता है सर्दियाँ आजकल और जो फिश है वो तो फेवरेट है बच्चों की भी और बड़ों की भी। और इरफान भाई, आपको भी पसंद है फिश? आपके हाथों की बनेगी तो मैं जरूर पसंद करूंगा उसको। वैसे मैं खाता हूं, बहुत कम खाता हूं, लेकिन जब भी खाता हूं तो फिर मैं कमाल की खाता हूं। तो आज जो है ना हम फ्राइड मसाला फिश जो है ना आज हम बना रहे हैं और ये सर्दियों की सबसे जो है ना अच्छी डिश है, आपको पता है। और ये जो है मतलब कम से कम टाइम में रेडी हो जाती है। फिश को जो है ना हमने, और ये बॉन वाली फिश है, बॉनलेस नहीं है। बॉन में फिश को आपने कटिंग करवा के इस तरह पीसीस में ना इसको कटवा लेना, ठीक है। मैरिनेट करने के लिए हमने इसमें लेमन जूस, 2 स्पून लेमन जूस और जो है ना 1 बाउल दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 स्पून हमने दही में ऐड करना है। मैरिनेशन के लिए हमने जो है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है रेड मिर्च, ठीक है। और अदरक लहसुन का तो मैंने आपको बता दिया पेस्ट, लेमन जूस, दही और उसमें हमने थोड़ी सी जो है अजवाइन को ऐड करना है। कितने केजी फिश के लिए बता रही हैं? ये 1 केजी फिश का मैं आपको बता रही हूँ मैरिनेशन के लिए, ठीक है। हमने मैरिनेट करके 1 या 2 आवर्स जो है ना उसको फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देना। 2 घंटे बाद जब हम मैरिनेशन करके अपनी फिश को निकालेंगे तो हमारी फिश इस तरह की मैरिनेशन हो चुकी होगी, ठीक है। ये मैरिनेशन हुई हुई फिश है हमारी, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू होता है, हमने शॉर्ट टाइम में अच्छी से अच्छी रेसिपी बना के आपको दिखानी होती है। ये हमने ऑन कर लिया अपना चूल्हा, पैन ऊपर है हमारे चूल्हे के। इसमें अब हम पैन में जो है ऑयल डालेंगे और ऑयल जो है हमने सिर्फ 2 स्पून डालने हैं, ये वाला स्पून, 1। ये फ्राइड मसाला फिश है, डिफरेंट है और अच्छी रेसिपी है। फ्राई फिश तो आपको पता है बहुत कॉमन है, शॉप्स पे भी और घरों में भी लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन ये मसाले के साथ है। और ये इसके साथ आप राइस भी ले सकते हैं और रोटी, नान, जिस तरह भी मतलब ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये हमारा ऑयल जो है इसमें गर्म हो रहा है। अच्छा जी, हमने ऑयल में जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ऑयल में हमने ये ऑनियन का पेस्ट जो है वो बनाया हुआ है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल में हमने ये डाल दिया। ये मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ ऑनियन का ही पेस्ट है। जी, ये सिर्फ ऑनियन का पेस्ट है, ठीक है जी। साथ हमने इसमें जो है 2 से 3 ये मिर्चें डालनी है। तो अभी ये हमारी मछली जो है वो तैयार होने लगी और प्रोसेस में है ये। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि जी मेरा जी करता है मैं मिर्चा पावा जी, मिर्चा हमने डाल दी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, इधर और कहीं नहीं। अच्छा जी, तो अभी बाकी चीजें जी साथ साथ डालते रहेंगे तो उसको आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीजें। 1 टीस्पून कलवंजी डाल दी है, ठीक है। और इसमें हमने 1 कड़ी पत्ता जो है, हमने कोशिश करनी है कि आपको फ्रेश वाला मिल जाए, लाइट इसको आपको रखे, इसमें 1 कड़ी पत्ता हमने ऐड करना है। 2 कड़ी पत्ते जो है यूं करके इसको हमने ऐड कर देना है इसमें ऑयल में। और आप ये देख रहे हैं ऑयल जो है फुल उस पर पक रहा है। इसमें 4 हमने मिर्चें डाली हैं, रेड वाली, गोल वाली जी, राइट। अच्छा, जितनी चीजें आपने बता दी हैं यहाँ पर, और अगर इनमें से कोई एक चीज मिस हो जाए तो क्या वो टेस्ट आ जाएगा, क्या किया जाएगा? मिस तो नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे मिस बिल्कुल। अगर लोगों से आ जाए ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गांव में कुछ लोग अगर आपको देख रहे हैं तो फिर वो ड्राई मसाला जा तो आपको पता है हर जगह अवेलेबल होते हैं उसके लिए। इसमें हमारी इन रेसिपी की चीजों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है मौजूद कि जो गाँव में और इस टाइप की जगहों पे ना मिल सके, सब चीजें हर जगह इजीली अवेलेबल है, मैं आपको ये बता दूं। ये हमने इसमें ऑनियन पेस्ट डाला था और कलवंजी डाली थी, ठीक है। करी पत्ता डाला है, इसको हम थोड़ा सा मसाला टाइप रेडी कर रहे हैं ऑयल को, ठीक है। जो लोग पंजाबी नहीं समझ सकते उनके लिए उर्दू में बता रहा हूँ कि आप घर में बनाकर जरूर इसको टेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आने वाला है। और लॉर्ड ऑफ फूड यहाँ पर आकर अगर कोई, जैसे मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर नूरी जी जो है ये खाना बनाना या मछली बनाना आपको दिखा रही हैं, बनाने का तरीका बता रही हैं, तो इस जगह पर आकर
बताना जो कोई आसान काम नहीं, जिस तरह ये ब्रांड है लॉर्ड ऑफ फूड और यहाँ का किचन भी ब्रांड है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो भी इसी लेवल के ही आते हैं। चूँकि कोई भी चीज़ जब होती है, कोई ब्रांड होता है, तो अपनी क्वालिटी को वो मेंटेन रखते हैं, कभी लो नहीं होने देते। तो उसको मेंटेन रखने के लिए उनको उसी लेवल के जो है वो लोग चाहिए होते हैं, खा वो शेफ हो, वेटर्स हो, खाना बनाने वाले मैन, कोई भी किसी भी फील्ड से तलक रखने वाला हो, उनको उसी लेवल का ही चाहिए होता है। तो लिहाजा आप इस चीज़ को हल्का ना लीजिएगा, मुझे तो वैसे भी पहले जानते हैं, तो नूर जी को भी आप वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं जानते रहते हैं और देखते रहते हैं इसको। तो लॉर्ड ऑफ, हाँ कभी आप लाहौर आएँ, जो लाहौर से बाहर वाले हैं लाहौर में आएँ, तो लाहौर में आप जब आएँ तो लॉर्ड ऑफ फूड का कहीं से भी पूछें, लोकेशन मेंशन करें उसकी और यहाँ पे आएँ और खाना खाएँ। आपको हर तरह का खाना यहाँ पे मिलेगा, हर तरह की वैरायटी मिलेगी और खाना तो मज़े का होता ही है, लेकिन यहाँ के लोगों का प्यार आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और इसी प्यार को आप महसूस करते हुए दोबारा इस जगह पर ज़रूर आएँगे। और फिर आते हैं हम नूरी जी की तरफ। जी इसको 2 मिनट हो गए हम फ्राई कर रहे हैं, मसाला रेडी कर रहे हैं अपना। इसमें कलवंजी आपको बताया मैंने, ऑनियन और कड़ी पत्ता हमने ऐड किया और इसमें जो है 4 से 5 हमने रेड साबित मिर्चें डाली। कब तक हमने इसको रखना है, करना है? हल्की आंच में भी करना है, बता दीजिए। हल्की आंच पे आप देख रहे हैं, हल्की आंच पे इसको हम मसाले को रेडी कर रहे हैं। इसको हम 3 से 4 मिनट जो है ना इसको हम मसाले को रेडी करेंगे। जी जी। इसमें हमने साथ थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है ताकि उसमें फिश जो है ना हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए और इस मसाले में हम दम कर देंगे फिश को। 2 से 3 मिनट हमें हो गए, मज़ीद 1 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो है ना अपनी मैरिनेशन की हुई फिश ऐड करेंगे। ये हमारे पास इस वक्त बिल्कुल जो तैयार पड़ी है, मैरिनेशन हुई हुई है जी। और ये बॉन्स वाली है, ये बॉनलेस नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो बॉनलेस है वो सिर्फ फ्राई होती है मसाले में, जब अगर आप उसको इस तरह फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल यू नो मेल्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल ही ओपन हो जाएगी, उसमें ना जाके ऑयल में मेल्ट होके उसके पीसेस जो है ना ख़राब हो जाएंगे। बॉन वाली जो है उससे ये है कि इसके पीसेस जो हैं वो बरकरार रहेंगे और वो देखने में भी खूबसूरत लगेगी। ये मसाला अच्छा, जिनके कहने का मकसद यह है कि चूँकि अक्सर गाँव के अंदर सर्दियों में मछली का बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चल रहा होता है, वो कहीं से पकड़ के लाते हैं या ऐसे गाँव में भी जाती है, तो गाँव के लोगों को हो सकता ना पता हो, तो मैं अपनी ज़बान में आप लोगों की ज़बान में बता दूँ कि जो बोनलेस की बात कर रहे हैं वो हड्डी के बगैर, हड्डी तो बगैर मछली, वो कह रहे हैं कि अगर तुम करोगे तो घुल जाएगी, तो हड्डी वाली अगर होएगी तो वो जिस तरह तुम चाहते हो, जिस तरह बना रहे हैं कि मज़ेदार बने तो उस तरीके ना बनेगी। तो लिहाजा कोई भी चीज़ है जो तुम उन्होंने बनाते हो तो वो जी रिक्वायरमेंट होंगी वो पूरी करोगे तो फिर तुम अपने मनपसंद की चीज़ बना सकते हो। तो असं फिर दोबारा नूरी जी वाल आने, अदरवाइज वो बहुत गर्म चमचा फड़िया कि मैंने ठोक दें, क्योंकि मैं इन्होंने जानना बड़ा चाहता, तुम नहीं जानते, तुम मैं जानते हो। चलो जी बिल्कुल, ये हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, राइट। हमने इसको 4 से 5 मिनट जो है ना फ्राई किया है अपने ऑनियन और चीज़ों को। ये अब हम इसमें जो अपनी मैरिनेशन की हुई फिश है ना उसको ऐड करते हैं। ये हमने पहला पीस इसमें डाला, राइट, इसमें कुछ बोल इसमें हम अपना सेकेंड वाला पीस ऐड कर रहे हैं। उससे जो हमारी मैरिनेशन की हुई फिश थी ना वो हमने इस मसाले में डाल दी है जी जी। और इसको हम 5 मिनट जो है ना इस तरह थोड़ा सा इसको मसाले को हिलाते हुए और फिश के साइड चेंज कर देंगे अभी 2 मिनट बाद। 5 मिनट हम इसको इस तरह थोड़ा फ्राई करेंगे और ये डीप फ्राई नहीं है। आप ये देखें इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम है, ये डीप फ्राई नहीं है, ये मसाला फिश है, मसाला फ्राइड फिश है, इसलिए इसमें ऑयल बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ। तो जब हमने ये डाली तो इसको एक तरफ से हम अच्छे तरह से पकने देंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। इसको चेंज नहीं, आप जरूरी नहीं है क्योंकि फिश हमारी मैरिनेट हुई हुई है ऑलरेडी। जी जी ठीक है, बस हमने इसकी साइड चेंज करनी है, राइट, दूसरे चम्मच की मदद से यूं लाइट से इसकी साइड चेंज कर लेंगे हम यूं करके। ये ले साइड चेंज करके साथ में ही दूसरे पीस की साइड चेंज करेंगे हम। जब आपको लगे कि एक तरफ से बन गई अब ये जी, इसकी साइड चेंज करें, दम में पकेगी, उसके बाद दम देंगे आप इसको। लास्ट को 5 मिनट हम फ्राई करने के बाद जी जी इसको दम दे देंगे, ठीक है। अभी हमने फुल इसकी जो है ना आंच तेज रखी थी, इसकी बबलिंग से आपको आइडिया हो रहा होगा। इसको हम फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, देखिए कितने खूबसूरत इसमें जो हमने मिर्चें डाली थी और अभी से इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। ठीक है, मसाले के साथ फिश भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है जी। अब हम इसमें थोड़ा सा, हमने आंच हल्की कर दी अब जी, हल्की आंच पे हम इसमें थोड़ा सा जो है वो मिंट ऐड करेंगे, पुदीना, उसके थोड़े से हमने पत्ते डाले जी, पुदीने के पत्ते डाले जी, जी बिल्कुल पुदीने के पत्ते डालने हैं। और इसमें हमने 1/2 टीस्पून जो है गर्म मसाला,
इसमें हमने ऐड करना है, राइट। हाफ जो है हम इसमें डाल रहे हैं सूखा धनिया पाउडर। मेरे ख्याल में इसमें जो चीजें डाली जा रही हैं जिस जिस तरतीब के साथ, ये तरतीब भी मजा बनाने के लिए जरूरी है, किसी तरतीब से किया जाए, अदरवाइज हो सकता है। हमने जो अपने ड्राई मसाला जो डाले थे उनकी क्वांटिटी बहुत लाइट रखी है ताकि हम दम में भी ये इसमें ऐड कर सकें। कुटी हुई मिर्च है मेरे ख्याल में, ये धड़ा मिर्च जिसको हम कहते हैं, कुटी भी नहीं है, ये धड़ा मिर्च है, ये टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। और अब हम जो है आंच को हल्का कर देंगे, राइट, और हल्का कर देना जी, बिल्कुल हल्का कर दिया जी, और इसको थोड़ा सा जी हिला लेंगे यूं, ताकि इसके बाद हम इसको जो है ना 5 मिनट दम देंगे जी। 5 मिनट के लिए हमने अपनी जो है फिश उसको दम कर दिया, और 5 मिनट बाद जो है ये हम इसको डिश आउट करेंगे अपनी डिश में। हमारी फिश जो है रेडी है ऑलमोस्ट, इसको दम भी कर दिया, दम में ये स्टीम में सॉफ्ट भी हो गई है और मैरिनेट तो पहले से हुई भी थी और ये इसमें फ्राई भी हो गई है, ठीक है। अब हम जो है अपना चूल्हा जो है उसको बंद कर देंगे और बिस्मिल्लाह इसका हम कैप जो है वो ओपन कर देंगे और इरफान भाई आपको बताएंगे इसमें से कैसी खुशबू आ रही है। नहीं, मुझे तो उसी वक्त आ रही थी जब इसमें डाली और इसको अंदर जो थोड़ा तड़का लगा मैं उदे खुशबू लग गई थी, तो अब तो बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही है। वैसे भी आपको पता है अल्लाह की खास नेमत है, अगर मैं इसके पसे पर्दा जाऊँ कि जब मछली क्या थी, क्यों आई, तो इसको हम ज़िबा क्यों नहीं करते मुर्गी की तरह, बकरे की तरह, क्योंकि लंबी स्टोरी है पीछे, तो फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको बताएंगे। बहरहाल ये बड़ी खास अल्लाह ताला की नेमत है, वैसे तो हर चीज़ नेमत है लेकिन ये खासों में से खास है। इसको हम तकबीर क्यों नहीं डालते, इसकी वजह है कि जब नमरूद ने अल्लाह ताला के साथ जंग करने का ऐलान किया था तो उस वक्त वो अल्लाह को तीर मारने के लिए जब निकला तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को बोला कि जी इसके आगे मछली करो और तीर को खून लगना चाहिए, तो मछली ने दुआ की थी या अल्लाह तेरा दुश्मन है, तेरा गुस्ताख है, तो उसकी तीर मुझे क्यों लगाना चाहता है, तो फिर अल्लाह ने कहा था कि एक बार तकलीफ ले ले क्यामत तक तुझे तकलीफ नहीं मिलेगी। ये तीर की वो जो तकलीफ इसको मिली उसके बाद हम ज़िबा नहीं करते, पानी से बाहर निकालते हैं तो इसको तकबीर पड़ी होती है। ये अल्लाह की तरफ से खास रहमत है और नेमत भी है हमारे पास, इसको ज़रूर टेस्ट करें घर में बना के और अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा किया करें। बिल्कुल, चूँकि अल्लाह ताला किसी को जब नेमत देता है तो शुक्र अदा ना करें, जब छीन लेता तो फिर वापस नहीं करता, ये भी आपको पता होगा जी। ये हमने डिश आउट कर ली अपनी फिश और इस पे हम पुदीना डाल रहे हैं खूबसूरती के लिए। ये फिश हमारी रेडी है, रेडी हो गई जी माशाल्लाह। इसको आप राइस के साथ, नान, रोटी, जिसका जो भी चॉइस होती है उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। और ये हमारी खूबसूरत सी फिश आज की मसाला फ्राइड फिश रेडी है। ये इरफान साहब हमें अभी टेस्ट करके बताएंगे प्रोग्राम में, मैं खा सकता हूँ बिल्कुल के हमारी फिश। गाइस मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा, सच बताऊंगा, बिल्कुल जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच तो ला कुछ ना बोलूंगा। जायस्ता जी जी बिल्कुल जी, यार इसको छोड़ो यार, ले तीन माने मैं स्पाइसी चीज़ें नहीं खाता ज़्यादा, लेकिन ये स्पाइसी भी नहीं है और मज़े की। आप इसको ज़रूर टेस्ट करें घर में बना के, ये तो हम नहीं कह रहे कि यहाँ पे आके हमारी वाली खाएं, हम तो कह रहे हैं घर में बनाएं एक बार, और जब आपको लगे कि अच्छी बनी है तो फिर आप लॉट ऑफ फूड जब दिल करें आपका आप आ जाएं। अब जो है हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई रेसिपी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे लॉर्ड ऑफ फूड के लॉर्ड्स किचन में हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, और वो भी आपको तफसील के साथ, और फिर मज़े मज़े की बातें भी आपके साथ शेयर करते रहा करेंगे। खुश रहें, खुश रखें, मोहब्बतें बांटें यार, नफरतें पहले बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं और मेरी प्यारी बहन इजाज़त चाहेंगे आपसे, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।